बेवक्त अगर जाऊंगा सब चौंक पड़ेंगे, एक उम्र हुई दिन में कभी घर नहीं देखा। बशीर बद्र। यही सच है, सारी दुनिया का यही हाल है। नहीं, मुझे बाहर जाना है अभी। बाहर जाओगे तो फिर सामान्य अवस्था में लौट कर नहीं आ पाओगे। क्या? क्यों? क्योंकि बाहर खतरा है, एक संभावना है। खतरा? किस बात की संभावना? संभावना संक्रमण की, इन्फेक्शन की। एनफ इज एनफ। देख, जो कोई भी है मुझे अपनी फालतू की बातों में नहीं बुझा सकता। और तू चाहता क्या है? और है कौन तू? मैं समय हूं, और मशीन बनी इस मानव जाति को फिर से इंसान बनाने की शपथ ली है मैंने। स्टॉप इट, अपनी ये फालतू बातों से टॉर्चर करना बंद करो मुझे। टॉर्चर? और जो तुमने इस सेल्फिश मानव जाति ने नेचर को नुकसान पहुंचाया है, इतना टॉर्चर किया है, प्रकृति को पहुंचाई गई इस क्षति को तुम्हारे द्वारा किए हुए अच्छे कामों की सूची में डालूं या बुरे कामों की? इसलिए ये प्रकृति अब तुम इंसानों को देखना तक नहीं चाहती, वो खुलकर सांस लेना चाहती है। इसलिए तुम मानवों का बंद रहना ही ठीक है। और अब समय आ गया है, क्योंकि मैं समय बोल रहा हूं, और ये समय तुम पृथ्वीवासियों के लिए अनुकूल नहीं है, और इस दुस्थिति का जिम्मेदार सिर्फ मानव है। ये क्या हुआ? प्लीज सेव मी, मैं मरना नहीं चाहता। आई डोंट वांट टू डाई, प्लीज सेव मी। तुम्हारी आत्मा तो पहले ही संक्रमित हो चुकी थी, और अब ये शरीर ही संक्रमण अवस्था को प्राप्त हो चुका है। अब तुम जाओगे 14 दिन के शुद्धिकरण एकांतवास में, और पृथ्वी जाएगी पुनरारंभ मार्ग पर। सुपरमैन, स्पाइडरमैन और नागराज के बाद अब आ रहा है नया सुपर हीरो मास्क मैन, जो बचाएगा हम लोगों को कोरोना के कहर से। मास्क मैन।
हेलो हेलो, तुम ठीक तो ना राज? कुछ बोलते क्यों नहीं? हाय रिया। हाँ मैं ठीक हूँ, शायद नहीं, हाँ मैं ठीक हूँ। तुम कैसे हो? आई एम फाइन, पर तुम कुछ खोए से लग रहे हो। टेल मी प्लीज, इज समथिंग रॉन्ग? हाँ, कुछ बहुत गलत होने वाला है हम सबके साथ। व्हाट? ओफो, तुमने फिर से कोई सपना देखा ना? कितनी बार कहा है ड्रीम में जब भी देखो सिर्फ मुझे देखा करो। चलो छोड़ो ये सब और बताओ कब मिल रहे हो? कितने दिन हो गए यार मिले हुए। ओके रिया, मैं तुम्हें कॉल करता हूँ कुछ देर में। क्या हुआ राज? क्या कर रहा है लौंडे? कुछ नहीं। तो सुन मेरी बात, जाग रहा है तो सो जा और सो रहा है तो जाग जा, और कुछ नहीं कर रहा है तो कहीं भाग जा। क्यों, क्या हुआ? हुआ नहीं, होने वाला है। एक वीडियो सेंड किया है तुझे, उसको देख, अब सबकी लगने वाली है। ओके बाय। नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट अभय कुमार, और ये है आपका अपना भयानक टीवी। आज जो मैं आपको खबर दिखाने वाला हूं उसे देखकर डरना मना है, क्योंकि हमारा मकसद आपको डराना नहीं है। हमारा मकसद है आपको ऐसी सनसनीखेज, हैरतअंगेज, खौफनाक खबरें दिखा दिखा कर मेरे नाम की ही तरह आपको अभय बनाने की। जी हाँ, आज हम आपको सच्चे रूबरू करवाएंगे। हम आपको ऐसी खबरें दिखाते हैं ताकि आप आने वाली विकट परिस्थितियों से निपटने की ताकत और जज्बा जगा सकें। ऐसी हिंदी कौन लिखता है बे? दोस्तों, जैसा मैं आपको बता रहा था कि हम आपको ऐसी खबरें दिखाते हैं ताकि आप आने वाली विकट परिस्थितियों से निपटने की ताकत और जज्बा जगा सकें। जी हाँ, और दोस्तों, ये जो वायरस है ना, ये वायरस एक बहरूपिया है। बहरूपिया ये एक इच्छाधारी नागिन है, ये एक भांड है। ये आपके सामने रूप बदल बदल कर आएगा और आप इसका कुछ नहीं कर पाएंगे, समझे? इसीलिए मेरी आपसे सलाह है कि आप एक दूसरे से दूरी बनाए रखें और हाथ धोते रहें बार बार, और साथ ही मास्क लगाना ना भूलें। मास्क को इस तरह लगाएं जैसे मैं बता रहा हूं, समझे? पर मुझे मालूम है कि कुछ समझदार लोग होंगे जो मास्क को ऐसे ना लगा करके ऐसे लगाएंगे, तो ये उनके लिए। मास्क ऐसे कौन लगाता है, हैं? अरे भाई, ये कोई तरीका हुआ? नाक से ही ये वायरस घुसेगा, और नाक कोई खुला छोड़ दिया आपने? वाह 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 वाह, ये तो वो बात हुई कि आ वायरस मुझे इन्फेक्ट कर। इसलिए ये छोटी सी बात उन्हीं लोगों के लिए। कभी अंडरवियर इस तरह पहने नहीं ना? तो फिर खैर, जाने दीजिए। तो अब आपके सामने जल्द ही पेश होंगे हमारे धुआंधार रिपोर्टर मिस्टर संचार अयप्पा मुथु कयप्पा अपनी धुआंधार रिपोर्ट के संग। देखते रहिए आपका अपना भयानक टीवी, क्योंकि हम आपको डराते नहीं हैं, हम आपको सब दिखाते हैं, सिर्फ सच दिखाते हैं, है ना? और जाते आते ये चंद पंक्तियाँ उन लोगों के लिए जो मुझे मालूम है अभी भी नहीं समझे हैं। अरे आया कोरोना, घूम कर रे, तू बाहर ना निकलना, झूम कर रे, नहीं तो पुलिस के डंडे पड़ेंगे तेरे पुम पुम पर रे, समझा? हेलो सुमित, यार ये वायरस इंडिया में भी आ जाएगा, ऐसा तो ना कभी सोचा, ना ऐसी कोई सिचुएशन देखी। ऐसे तो हमने डायनासोर भी कहाँ देखे हैं ब्रो, पर वो एग्जिस्ट तो करते थे ना यार। इस वायरस से रिलेटेड न्यूज़ तो काफ़ी दिनों से सामने आ रही है, लेकिन अब ये तो यहाँ भी फैलने वाला है, और अभी लॉकडाउन भी लगेगा। अब दूसरी कंट्रीज की तरह यहाँ भी हम अपने अपने घरों में बंद होने वाले हैं। यार तो बिलीव नहीं करेगा, बिल्कुल ऐसा ही कुछ मैंने सपने में भी देखा।
ले तो तेरा सपना सच होने वाला। अरे कुछ अच्छा ही देख लेता यार। सुन भाई, तू तो रिया के साथ बंद हो जाएगा लॉकडाउन में। अरे पर हम जैसे सिंगल लोगों का क्या। चल यार बाय, ध्यान रखियो अपना। बाय। कुछ ठीक नहीं होगा रिया। सब कुछ कितना अच्छा चल रहा था, अच्छी जॉब थी, वो भी चली गई। ऐसा लग रहा है जैसे जैसे सब कुछ खत्म होने वाला है। राज सुनो मेरी बात, ये एक फेज है जो गुजर ही जाएगा। आई नो, गुजर तो जाएगा ही, लेकिन बहुत कुछ लेकर भी जाएगा। पर देकर भी तो जाएगा। क्या क्या देकर जाएगा? पोज पोज जिसमें सवाल भी तुम्हें ही करने हैं और जवाब भी तुम्हें ही देने हैं। हेलो रिया, कैसे हो? आई एम गुड, इवन बेटर। यू नो व्हाट रिया, यू वर राइट। अ पॉज हैज मैनी अपॉर्चुनिटीज। तुम्हें पता है मैं हमेशा तुमसे दूर भागता रहा, उस प्यार से दूर भागता रहा जो तुमसे मुझे भी था, अभी है और अब हमेशा रहने वाला है। बहुत बार तुमने पूछा भी लेकिन मैं क्या जवाब देता, बस भाग रही थी जिंदगी। एक रेस सी लगी थी, हम सब भाग रहे थे, रुकने का वक्त ही कहाँ था। अगर रुके होते तो खुद से सवाल करते और जवाब भी आज नहीं तो कल मिल ही जाते। लेकिन अब सब क्लियर है, इतने महीनों के पॉज ने बहुत कुछ सिखा दिया है। नाउ इज द टाइम टू रीथिंक एवरीथिंग। यस एवरीथिंग। तो फिर अब क्या सोचा है? डू यू लव मी? ऑफ कोर्स आई लव यू एंड थैंक यू। And thanks to that pause, जो कोविड ने हम सबको दिया, लॉकडाउन, क्वारंटीन, सोशल डिस्टेंसिंग, ये कुछ ऐसे शब्द हैं जिनसे हम सब अनजान थे। और इसका मिला जुला असर ये रहा कि हम सब की जिंदगियों में पॉज आ गया। सोशल डिस्टेंसिंग ने जहां लोगों को एक दूसरे से दूर किया है, वहीं उतना ही नजदीक भी लेकर आया है। तनों के बीच में दो गज की दूरी भले ही आई हो, लेकिन मन दो गज नजदीक ही आए हैं। हमने इस फेज से पहले रिश्तों को इतना करीब से कभी देखा ही नहीं था। महसूस करना तो बहुत दूर की बात है, क्योंकि हम बस भाग रहे थे रात दिन मशीन बनकर। पोस्ट था ही नहीं कहीं कि हम कहीं रुक सकें, खुद से मिल सकें, रिश्तों में आए उलझने सुलझा सकें, ढूंढ सके वो गांठ जो रिश्तों में बेवजह ही लगी थी, रोबोटिक लाइफ को रिबूट कर सकें, आसपास की चीज़ों को देखने का नज़रिया बदल सकें, नेचर को महसूस कर सकें। हम बस भागे जा रहे थे, कहाँ पहुँचना था, कहाँ पहुँचकर रुकना था पता ही नहीं था, पर ये पता था कि बस भागना है। किसने कहा था भागने को पता नहीं, बस भागना है। इतने बिजी थे हम कि दूसरों से मिलने की तो बात ही क्या, खुद से भी कभी मिलना नहीं हुआ। काम से लौटकर घर आते तो सिर्फ काम की थकान उतारने के लिए। घर एक सराय की तरह ही तो था, घर घर था ही नहीं, सिर्फ चार दीवारें और छत हो जाने से घर घर हो जाता है क्या? जिस तरह घर इंसानों को अपना लेता है, इंसानों को भी तो अपना लेना चाहिए घर को। लेकिन इन सब फालतू बातों के बारे में सोचने के लिए हमारे पास वक्त ही कहाँ था।
फालतू बातें ही तो हैं ये सब। जहां मन किया वही थूक दिया, कहीं भी कोना देखकर हल्के हो लिए, प्रकृति की बचाव की बातों से खुद को दूर रखा, पेड़ों के तन पर अपने प्यार की इबारतें लिखी, और किसी ने कुछ बताना चाहा, कभी कुछ समझाना चाहा, तो सब चलता है यार, ये कहकर अपना पल्लू छुड़ा लिया। विकास के नाम पर धरती को हर तरह से निचोड़कर विनाश के रास्ते पर ला दिया। हमने बस अपनी जिंदगी को 99 के फेर के हिसाब किताब में उलझाए रखा, पर प्रकृति हिसाब नहीं रखती है, बदला लेती है। और ये बदला है वो हमसे सिर्फ सिर्फ बदलाव चाहती है, बदलाव हमारी उन आदतों में और हमारी उस सोच में जिनके कारण हमने नेचर को नाराज कर दिया है। इस पॉज में कुछ तो प्रोडक्टिव हुआ ही होगा, प्यार तो हुआ ही होगा, खुद से, खोए हुए रिश्तों से, अपने अंदर के छुपे हुए उस इंसान से जो आप कभी बनना चाहते थे, अपने अंदर छुपे टैलेंट से तो प्यार हुआ ही होगा। कान लगाकर दिल से सुनकर देखना, इस पॉज में बहुत कुछ सुनाई देगा। पहला पहला पॉज है, पहला पहला पॉज है।